हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं जा रही थी बाजार, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आ गया, तो रमज़ान की ग्रॉसरी करने से पहले जाना था मोबाइल मार्केट, क्योंकि मुझे वहाँ से लेना था अपने लिए माइक, ताकि मेरी जो आने वाली मज़ीद वीडियोज़ हैं उनका वॉइस ओवर अच्छा हो। यहाँ पर मैं पहुँच गई थी मोबाइल मार्केट, तो अब देखते हैं फिर लेते हैं। A few moments later, माइक भी मैंने ले लिया था, डबल भी मिल रहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ सिंगल की ज़रूरत थी तो मैंने सिर्फ एक ही लिया। अब हम आ गए थे यहाँ पे कुछ खाने के लिए। सुबह नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था, इसलिए भूख लग रही थी, तो हमने कहा कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। ये हमारा मेन्यू आ गया था। 20 minutes later, खाना वगैरह हमने खा लिया था। खाना इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, बस एवरेज था। अब हम आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। 2000 years later, अच्छा वहाँ पे सीन कुछ ऐसा था कि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए ग्रॉसरी हमने कर ली थी। मैंने कहा कि बाकी आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। सबसे पहले तो हमने लिया ऑयल, क्योंकि इसके बगैर तो इफ्तारी बन ही नहीं सकती। हम लोग डालडा का ऑयल यूज़ करते हैं, आप लोग बताएं कौन सा यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गई केचप, इसके बगैर भी हमारी इफ्तारी नामुकम्मल है। टैंक हमारे घर में कुछ ज़्यादा पीता नहीं है, इसीलिए हमने ये लिया। उसके बाद माचिस, उसके बाद आता है ब्रेड जैम, जैम के बाद आ जाती है चीनी, क्योंकि आलू बुखारा चटनी वगैरह में चीनी इस्तेमाल होती है। उसके बाद आती है हमारी मेन चीज़ खजूरें, क्योंकि खजूरों के बगैर इफ्तारी मुकम्मल नहीं। उसके बाद ये था चिकन पाउडर टेस्ट वगैरह के लिए चाट मसाला। चाट मसाला के बाद ये क्या दिखा रही हूँ मैं, अच्छा ये था कि नॉर का भी चिकन पाउडर था, ये भी इलायची लहसुन अदरक ये सब बाकी चीज़ें हैं। अच्छा इन सब चीज़ों के बाद याद आता है लेमन मिर्च, क्योंकि इफ्तारी के बाद बर्तन भी तो धोने हैं ना, क्योंकि इफ्तारी और बर्तन ना हो तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पे लिक्विड में भी ले लिया था और साबुन में भी ले लिया था, मैट लिया था। उसके बाद ये सोया सॉस, विनीगर वगैरह, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च तो हमारी घर की भी है लेकिन ये भी हमने ले ली थी। उसके बाद सेवैयाँ वगैरह थी, सेवैयाँ के बाद बिरयानी मसाला, क्योंकि मेहमान वगैरह भी आ सकते हैं तो इसीलिए। उसके बाद कस्टर्ड मीठे में बनाने के लिए, उसके बाद था किनोर क्यूब्स, क्योंकि ये भी हर चीज़ में इस्तेमाल हो जाते हैं चिकन के टेस्ट के लिए। उसके बाद साबुन वगैरह, ये तिब्बत, ये स्किन वाइट, ये ब्राइट सर्फ। हमने सारी ग्रॉसरी एक ही दफ़ा कर ली थी, क्योंकि रोज़ा रख के बाज़ार नहीं जा होता बिल्कुल भी। और ये था कॉर्नफ्लोर वगैरह। तो ये थी रमज़ान की ग्रॉसरी, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें हमने एक ही दफ़ा ले ली थी, क्योंकि वाकई में बाज़ार रोज़ा रख के नहीं जा होता। अब इन सब चीज़ों को करते हैं साइड पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इफ्तारी की बात की चीज़ें, यानी कि हल्का फुल्का रोज़ा खोलने के बाद मंच वगैरह अगर दिल करे तो। यहाँ पे था केक, वेफर्स वगैरह थे, और ये था कप केक था, उसके बाद चिली मिली थी, पिज़्ज़ा जेली थी, ओरियो बिस्किट था, ये मतलब हल्की फुल्की सी चीज़ें थी। उसके बाद थी ब्रेड, ब्रेड भी हमने ले ली थी सैंडविच वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद ये थोड़ी सी चिप्स वगैरह थी, क्रिस्प थे, कैटी चाइनीज थे, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये जी हमारी थी रमज़ान की ग्रॉसरी वगैरह। ग्रॉसरी तो होती रहेगी, बाकी अल्लाह पाक हमें तमाम रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ रोज़ा ही नहीं अपनी इबादत करने की भी तौफीक अता फरमाए, और ये महीना सबके लिए बरकतों और रहमतों का हो। और हाँ, वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो ना देखा करें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।